सो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला कि आप इस तरह की वीडियो जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की वीडियो कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह की वीडियो जो है शूट कर लेना है। आपको जो है सिंपल एक इस तरह की वीडियो एक शूट कर लेना है, उसके बाद उस फोटो को जो है एडिट कर लेना है। दो चीज़ आपको फर्स्ट में चाहिए गाइज, या फिर आप फोटो से भी काम चला सकते हैं गाइज। एक विदाउट फोटो जो कि एडिट नहीं हुई है, एक दूसरी फोटो चाहिए जो कि एडिट की गई है। आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं गाइज, आप इसकी जगह पर वीडियोज़ भी ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस तरह की वीडियो क्रिएट कर रहे हैं और इनके व्यूज़ भी मिलियंस में जा रहे हैं। और इस तरह की वीडियो कैसे क्रिएट करना है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइज। सो गाइज यहाँ पर एक वीडियो है, आप इनकी वीडियो देख सकते हैं। इनकी भी वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। आप यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट में विदाउट एडिटिंग फोटो, उसके बाद एडिटिंग वाली फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरह की वीडियो कैसे क्रिएट करनी है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सिंपली गाइज आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका नाम है VN एप्लीकेशन। यह तो VN एप्लीकेशन चाहिए। उसके बाद आपको सिंपली गाइज क्या करना है मैं आपको बताता हूँ गाइज। यह तो उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको एक वीडियो चाहिए, कुछ इस तरह की वीडियो चाहिए होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की वीडियो चाहिए होगी जो कि बीच में आता है गाइस। जी हाँ, तो बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की वीडियो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं इस वीडियो को जो है फटाफट से यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ गाइस। तो आप इसे जो है इंस्टाग्राम से भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपली गाइस आपको क्या करना है, सिंपली गाइस इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली गाइस आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। क्या देख रहे हैं, जो भी इंस्टाग्राम पर न्यू ट्यूटोरियल आता है, जो भी ट्रेंड में चलता है, सभी वीडियो का ट्यूटोरियल मैं इस चैनल पर आपको देता हूँ गाइस। जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। सो गाइस यहाँ पर हमारी वीडियो डाउनलोड हो रही है और आपको एक एप्लीकेशन है, आप साइड में देख सकते हैं गाइज VN एप्लीकेशन। VN एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपल गाइज क्या करना है, एक तो आपको फोटो चाहिए जो कि एडिट नहीं हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में, और दूसरी फोटो चाहिए जो कि एडिट हुआ है। उसके बाद सिंपली गाइज आपको क्या करना है, VN एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना गाइज। जी हाँ दोस्तों, VN एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, नीचे आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली गाइज प्लस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा न्यू प्रोजेक्ट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली गाइस आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यार यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली गाइस आपको जो है फर्स्ट में उस फोटो को सिलेक्ट करना है जो कि एडिट नहीं हुआ है। तो मैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि एडिट नहीं हुआ है। आप इसके जगह पर वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस। जी हाँ, तो जैसे लड़के ने वीडियो जिस तरह की एक्टिंग की है फोटो खींचने के लिए, आप उस तरह की वीडियो चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई वीडियो नहीं है तो मैं यहाँ पर फोटो चूज़ कर लेता हूँ। तो सिंपली गाइस यहाँ पर मैंने फ़ोटो चूज़ कर लिया है जो कि एडिट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमारी फ़ोटो इस तरह की आ चुकी है। तो सिंपली गाइस आपको सबसे पहले ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा ओरिजिनल का, तो ओरिजिनल के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ओरिजिनल के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा टिकटॉक का। आप यहाँ देख सकते हैं 916 का, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे साइज़ आपकी कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको इसके बाद लास्ट में आना है। जैसे आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वाटरमार्क का, तो सिंपली गाइस इस वाटरमार्क को आपको डिलीट कर देना है। तो सिंपली गाइस इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। उसके बाद आप बारी आती है म्यूज़िक की, म्यूज़िक कैसे लगाना है। तो सिंपली गाइस म्यूज़िक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको जो है साइड में जो वीडियो दिख रही है उसे डाउनलोड कर लेना गाइस। जी हाँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। या फिर आप क्या करना, आपके पास इंस्टाग्राम रील्स में अगर वीडियो आती है ट्रेंडिंग में तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद सिंपली गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्लस का, प्लस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो का, तो आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है जिसका आप ऑडियो निकालना चाहते हैं। तो हम उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट किया, उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं म्यूज़िक आ चुका है, चूज़ कर लेना है। म्यूज़िक हमने चूज़ कर लिया, तो उसके बाद आपको सिंपली गाइस क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है,
प्लस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फोटो एंड वीडियो का। तो सिंपली गाइस फोटो एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जो कि बीच में आता है गाइस, कुछ इस तरह का मैं आपको दिखाता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इंस्टाग्राम वगैरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेकर हमें थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको दिखाता हूँ गाइस कैसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर मैं देखता हूँ ओके करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की वीडियो आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर जो लड़के की वीडियो है, फालतू वीडियो है, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। हमें चाहिए क्या, यहाँ यहाँ से इतनी वीडियो चाहिए गाइस, जहाँ से नाचने का पैसा लगा। इस तरह का कुछ सॉन्ग है यहाँ पर देखिए, यहाँ दोस्तों इतनी वीडियो चाहिए, बाकी वीडियोज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। स्प्लिट का ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करना है, स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो वीडियो होगी इसको क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली गाइस जो आगे आना है, आगे आने का लड़के का जो फोटो आएगा फिर से उसको भी डिलीट कर देना है। आपको यहाँ पर बंदे की वीडियो रखनी है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 रुपया, यहाँ पर आना है, स्प्लिट करना है और फिर से आपको राइट में क्लिक करके डिलीट कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं म्यूज़िक का ऑप्शन आ रहा है, म्यूज़िक को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है, जितनी भी बड़ी म्यूज़िक है म्यूज़िक को इंक्रीज़ कर लिया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर फ़ोटो दिख रहा है गाइस ये विदाउट एडिटिंग है। अब आपको क्या करना है, लास्ट में आना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्लस का, फिर से आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है और फोटो एंड वीडियो में आना है और आपको अब चूज़ करना है जो फ़ोटो एडिट आपने किया है। तो इसके लिए मैं चलिए अपनी एडिट वाली फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस आपको भी फर्स्ट में विदाउट एडिटिंग फ़ोटो, उसके बाद एडिट किया हुआ फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। तो अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि फ़ोटो एडिट हुआ है गाइस, जी तो फ़ोटो जो एडिट हुआ है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ चली गई फ़ोटो, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो यहाँ पर एडिट हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट वाली फ़ोटो आ चुकी है। सिंपली गाइस जितना म्यूज़िक होगा सभी म्यूज़िक को आपको इंक्रीज़ कर लेना है कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखते हैं कि कितनी बड़ी म्यूज़िक है गाइस। तो गाइस हमारी म्यूज़िक सिर्फ इतनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 सेकंड की। तो अब आपको क्या करना है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्ले करके। तो प्ले करके पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ इस तरह की हमारे पास है वीडियो, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एफएक्स लगाने हैं। तो फर्स्ट में जो फर्स्ट वाली फ़ोटो है इसके ऊपर आपको एफएक्स लगाने के लिए यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एफएक्स का, तो एफएक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लिंकिंग का ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरह का, इस तरह का सभी जितनी भी फ़ोटो है सभी में आपको एफएक्स लगा लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एफएक्स अब लग चुका है, आप देख सकते हैं एफएक्स लग चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेकंड वाली फ़ोटो होगी उसके आप ऊपर आपको फिर से क्लिक करना है और नीचे आपका एफएक्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे एफएक्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत से आपको एफएक्स मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह के एफएक्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके कर देना है, फिर से आपको थोड़ा सा आगे आना है। आगे आने के बाद सिंपली गाइस आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर देखिए फ़ोटो का क्या करना है, स्प्लिट और फिर से एफएक्स में आना है और दूसरा एफएक्स यहाँ पर लगा लेने हैं अपने अकॉर्डिंग से, कोई भी एफएक्स आप लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारे एफएक्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं गाइस। आपको फिर से क्या करना है, कट करना है और फिर से आपको इसमें एफएक्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पर एफएक्स हमारे लग चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको प्ले करके दिखाता हूँ गाइस, हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुकी है। तो गाइस हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी शानदार वीडियो हमारी यहाँ पर बनी हुई है गाइस। तो इसके बाद आपको सेव करना है, तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपर्ट का, ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा टिक का और इसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं।